असल वो बोलो बॉलीवुड सिनेमा के उभरते हुए अभिनेताएं लोग शायद उन्हें ठीक से नहीं पहचानते। हालांकि उन्होंने अपना पहला डेब्यू अमेरिकन चाय नाम की फिल्म से किया था। एक तरह से इस खूबसूरत पंजाबी लड़के को संदीप धार के साथ इसी लाइफ में नामक फिल्म से काफ़ी पसीदी मिली है। इसी प्रकार ईविदा रूप से वह अपने आकर्षक लुक और असाधारण अभिनय क्षमता के लिए पहचाने जाते हैं। अक्षय ओबेरॉय का जन्म 1 जनवरी 1985 को मॉरिसटाउन न्यू जर्सी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उन्हें फितूर, गुड़गांव और लाल रंग जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया है। कम समय में अक्षय को दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ और कई अन्य सुपरस्टारों के साथ अभिनय करने का मौका मिला है। उनका जन्म भारतीय माता पिता से हुआ और उनका पालन पोषण लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत में हुआ। उनके पिता का नाम कृष्णा ओबेरॉय एक सफल बिजनेस टाइकून है। उनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम ऋषभ ओबेरॉय है। अक्षय ओबेरॉय ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड ज्योति विनाथेय से शादी कर ली है। ये जोड़ा अब तक अज्ञा नाम के एक प्यार के बच्चे के माता पिता है जिसका जन्म अप्रैल 2017 में हुआ था। अक्षय ओबेरॉय को बचपन से ही एक्टिंग का काफ़ी शौक था। एक बार जब वह भारत में बस गए तो वह छोटी नमित कपूर अभियान कक्षाओं में शामिल हो गए और पृथ्वी थिएटर जूहू में काम करना शुरू कर दिया। इस आबादी के दौरान उन्हें अमेरिकन चाय नामक फिल्म में अभियान किया। आपस संघर्ष और कड़ी मेहनत के बाद अक्षय ओबेरॉय ने विधि कसीवाला द्वारा निर्देशित इसी लाइफ में नामक फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म औसत रूप से सफल रही और दर्शकों से इसे काफ़ी सराहना मिली। इसके बाद अक्षय ने पिज्जा ऑफ अक्षय अक्किनेनी नामक एक रोमांचक अलौकिक फिल्म में अभिनय किया। साल 2015 में अक्षय ओबेरॉय ने पीकू नामक की फिल्म में अपना कैमियो रोल किया था। इसके अलावा उन्हें फितू नाम की फिल्म में कटरीना कैफ और अदिति रॉय के कपूर के साथ अभिनय करने का भी मौका मिला। उसी वर्ष उन्हें लाल रमक नामक फिल्म में रणदीप हुड्डा के साथ अभिनय किया। अपने अभियान के अलावा वह बाडवे डांस अकादमी, जेट बेले और हिप हॉप में एक कुशल नर्तक भी है। अक्षय ओबेरॉय कई टेलीविजन शुक्ला में भी दिखाई दिए हैं जिनमें इट्स नॉट दैट सिंपल, एनटीवी रस द टेस्ट केस और बर कोड शामिल है। इसके अलावा उन्हें आखिरी बार गुड़गांव नामक फिल्म में अभियान किया गया जिसके लिए उन्हें प्रसाद DI पुरस्कार मिला है। अक्षय ओबेरॉय मशहूर अभिनेता इमरान खान के सबसे करीबी दोस्त थे और वे एक दूसरे को 15 साल से अधिक समय से जानते हैं। अक्षय को शौक नृत्य करना, किताबें पढ़ना और मार्शल आर्ट का अभ्यास करना है। उन्हें फिल्में देखना भी पसंद है और वह महानायक अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े प्रशंसक हैं।